राज्यसभा में सांसदों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो सदन हैं। लोकसभा सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के जरिए होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से अधिकतम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। इनका नॉमिनेशन खेल, कला, संस्कृति जैसे क्षेत्रों से होता है। इसके अलावा 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, इसलिए 2 सालों में एक बार चुनाव होते हैं। कैसे होता है चुनाव? राज्यसभा के चुनाव में विधायक हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा का चुनाव इस फॉर्मूले पर होता है। फॉर्मूला विधायकों की कुल संख्या बटे राज्यसभा की खाली सीटें प्लस 1, इन सभी का प्लस 1। इसे एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। जैसे पंजाब में 117 विधायक हैं और राज्यसभा की 5 सीटें खाली हैं। सबसे पहले राज्यसभा की खाली 5 सीटों में से एक जोड़ देंगे तो ये संख्या 6 हो जाएगी। इसके बाद विधायकों की संख्या 117 में से 6 से भाग दिया जाएगा तो 19.5 आएगा। इनमें से एक जोड़ देंगे तो 20.5 होगा। इसका मतलब पंजाब में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 20.5 विधायकों का समर्थन चाहिए। वोटिंग में हर विधायक को अपनी पसंद बताना होता है, उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। इस चुनाव में वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट ज्यादा मिलता है तो वो जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी प्राथमिकता के वोटों की गिनती होती है। किस राज्य में कितनी सीटें? किसी राज्य से राज्यसभा सदस्यों की संख्या उसकी आबादी से तय होती है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है उस प्रदेश से अधिक राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 19 सीटें आती है। पश्चिम बंगाल और बिहार से राज्यसभा की 16-16 सीटें आती है। इस साल किस राज्य के लिए वोटिंग होगी? इस बार 6 राज्यों की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, पंजाब, नागालैंड और त्रिपुरा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है।